हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। बहुत पहले से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, पर बेसिकली कैसा था कि मेरे जो कंटेंट था वो था स्टेटस वाले वीडियोस का, क्योंकि तब व्हाट्सएप का ज़माना था, व्हाट्सएप स्टेटस का। तो व्हाट्सएप के वीडियो स्टेटस वीडियोस बनाना चालू किया मैंने। फिर धीरे धीरे व्यूज़ कुछ वीडियोज़ पर व्यूज़ आए, फिर एक टाइम आया जब व्यूज़ आना भी बंद हो गए। लाइक्स का तो छोड़ ही दो, मैं लाइक्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। तो उस पर कॉपीराइट आना चालू हो गया, सो मुझे एक चैनल मेरा बैन हो गया। फिर से यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू किया नए चैनल पे, इस टाइम व्यूज आना चालू भी हो गए और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ना चालू हो गए। तो फिर से कॉपीराइट वाले कंटेंट आते थे तो मेरे को वीडियोज अनफॉर्चुनेटली अनलिस्टेड पे डालना था मैं। ओके, सो धीरे धीरे फिर मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर वीडियोस बनाना चालू किया, उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा मिले, लाइक्स भी मिलना चालू हो गए, इवन सब्सक्राइबर्स भी मिलना चालू हो गए। तो बोला यार ये अच्छा था। एक मिनी धम्मा रैली करके हमारे नागपुर में चलती है, तो मैंने मिनी धम्मा रैली को शूट करना चालू किया, तब भी मेरा एक चैनल अच्छे से ग्रो करना चालू हुआ। फिर बीच में टिकटॉक आ गया, जिसने मेरा पूरा ध्यान डाइवर्ट कर लिया। आपकी तरह मैं भी टिकटॉक पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो वीडियोस थे उसमें कॉपीराइट आ रहा था, टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी पॉलिसी नहीं थी। तो बस मेरा क्या था, मैंने उसमें वीडियोस डालना चालू कर दिया, लाइक्स भी बढ़ गए, कमेंट्स भी आना चालू हो गए, व्यूज़ भी बढ़ गए और अनफॉर्चुनेटली मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ना चालू हो गए। अभी जो सीनारी आप देख ही रहे हो, टिकटॉक बैन हो गया, तो अभी बोला यार क्या करें। बीच में जब कैरी भाई ने टिकटॉक बैन करना चाहिए और रेटिंग भी टिकटॉक की कम हो गई थी लगभग, तभी मेरे को लगा कि यार नहीं, अभी कुछ तो भी हटके करना चाहिए, इसलिए मैं तभी पबजी पे स्विच हो गया। वाओ बोलना नहीं, पबजी पे स्विच हो गया तो टिकटॉक जाएगा, इसकी कोई मतलब मेरे को ज़्यादा दुख नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे पबजी पे भी आ गया, अब देखते ही देखते पबजी का सीज़न भी ख़त्म होते आ रहा है। तो अभी यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, तो सबसे मेरा पहला पॉइंट था कि यार कंटेंट कौन सा यूज़ करूँ मैं इस बार, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे जो जाना है वो एक नया कंटेंट लेके आना है, तो कौन सा कंटेंट लाऊं मैं। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप व्यूअर से डायरेक्ट बात कर सकूँ। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए ज़रूर कौन सा कंटेंट आपको पसंद है जो कंटेंट मैं ला सकूँ, तो मुझे जल्दी बताइए कमेंट्स में, ताकि मैं कमिंग अगस्त में उसको चालू कर सकता हूँ। सो बाय बाय।